बहुत साल पहले सोनपुर नाम के नगर में दो पक्के दोस्त धर्मवीर और पापवीर रहा करते थे। एक दिन पापवीर के मन में ख्याल आया कि क्यों न दूसरे नगर जाकर कुछ पैसा कमाया जाए। इतना सोचते सोचते पापवीर के मन में हुआ कि वो धर्मवीर को भी साथ लेकर जाएगा, जिससे दोनों खूब सारा पैसा कमाएंगे और फिर लौटते समय वो धर्मवीर से उसका पैसा किसी तरह से हड़प लेगा। अपनी चाल को पूरा करने पापवीर धर्मवीर के पास जाता है और बोलता है, धर्मवीर धर्मवीर क्यों ना हम दोनों पैसा कमाने के लिए दूसरे नगर चला जाए। वीर बोलता, ठीक है दोस्त। दोनों अपने नगर से खूब सारा सामान लेकर दूसरे शहर पहुंच जाते हैं। कुछ महीनों तक वहीं रहकर धर्मवीर और पापवीर ने सामान को काफी अच्छी कीमत में बेचा। जब दोनों ने अच्छी खासी रकम इकट्ठा कर ली तो दोनों एक दिन अपने नगर की ओर लौटने लगते हैं। पापवीर अपने दोस्त धर्मवीर को जंगल के रास्ते से लेकर के जाता है। रास्ते में चलते चलते पापवीर ने धर्मवीर से कहा, मित्र देखो, अगर हम अपने नगर इतना सारा धन लेकर जाते हैं तो समस्या हो सकती है। तब धर्मवीर ने पूछा कि किस प्रकार की समस्या। पापवीर बोलता है, चोर इसे चुरा सकते हैं, लोग हमसे जलन का भाव रखने लगेंगे और कुछ उधार भी मांग लेंगे। ऐसे में बेहतर होगा कि हम आधा धन इसी जंगल में छिपा देते हैं। धर्मवीर ने पापवीर की बातों पर यकीन कर लेता है और बोलता है, ठीक है दो। पापवीर ने गड्ढा खोदकर धन को जंगल में एक पेड़ के पास छिपा दिया। कुछ दिन बीतने के बाद पापवीर बिना अपने दोस्त को बताए मौका देखकर अकेले सारा धन उस जंगल से लेकर आ जाता है। समय बीतता गया और एक दिन धर्मवीर को पैसे की जरूरत पड़ी, तो धर्मवीर सीधे अपने मित्र पापवीर के पास गया और कहने लगा, मुझे पैसों की जरूरत है, जंगल से पैसे निकाल कर ले आते हैं। पापवीर बोलता ही, ठीक है। उन्हों जंगल की ओर निकल जाते है। जैसे ही धर्मवीर ने गड्ढा खोदा तो वहां पैसा न देखकर चौंक गया। इतने में ही पापवीर ने शोर मचाना शुरू कर दिया और धर्मवीर पर चोरी का आरोप लगा दिया। हो हल्ला होने के बाद पापवीर राजा के पास पहुंचता है। राजा ने सारा मामला सुना तो सच्चाई का पता लगाने के लिए अपनी दिव्य शक्ति से परीक्षा लेने का निर्णय लिया। इसके बाद राजा ने दोनों को आग में हाथ डालने का आदेश दिया। चतुर पापवीर ने कहा, अग्नि में हाथ डालने की कोई जरूरत नहीं है, खुद वन देव मेरी सच्चाई की गवाही देंगे। राजा ने उसकी बात मान ली। धूर्त पापवीर पास के ही एक सूखे पेड़ में छिप गया। जैसे ही राजा ने वन देवता से पूछा कि आखिर धन की चोरी किसने की, तो जंगल से आवाज आई, धर्मवीर ने चोरी की है। इतना सुनते ही धर्मवीर ने जिस पेड़ की तरफ से आवाज आई उसी पेड़ को आग के हवाले कर दिया। आग लगते ही पेड़ से चिल्लाते हुए पापवीर बाहर निकला और झुलसी हालत में सारा सच बयां कर दिया। सच्चाई का पता चलते ही राजा ने पापवीर को राज्य से बाहर जाने का आदेश दिया और धर्मवीर को उसके पैसे दिलवा दिए। इसी तरह की और भी कहानी सुनने और देखने के लिए चैनल को लाइक कर, अच्छा सा कॉमेंट करे और सब्सक्राइब करे। कहानी से सीख, दूसरे के लिए बुरा सोचने वाले के साथ बुरा ही होता है।